अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट से गड माहिया सनाउल हाशमानी। नाज़रीन, मुल्क में एक भेरो बीहर दहशतगर्दी करखयो है। उत्तर वजीरिस्तान के इलाके मीरअली में दहशतगर्दन सिक्योरिटी चेकपोस्ट से हमलो कयो है। नतीजे में बिन आफिसर समेत सत फौजी जवान शहीद थे। आई एस पी आर पारा इन हवाले से पधराई जारी कई वही है। आई एस पी आर जो चवण है दहशतगर्दन बारूद से भरल गाड़ी चेकपोस्ट से टकराई है, जैसे नतीजे में ये जानी नुकसान थो है। दहशतगर्दन पारा खुदकश हमला भी क्या वह खुदकश हमलों में पंज जवान शहादत माणी है। जैसे तो क्लियरेंस ऑपरेशन दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ छह दहशतगर्दन के मारे है, उनके वासिले जहनुम किया है। गुड के आगा क्यों तो फायरिंग की देवट दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहादत माणी है। पाक फौज के जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द भी मारा वह इन पा गाल बोल कहीं गुड गुड प्रोग्राम के पहले हिस्से में पा गाल बोल कहीं सिंध सरकार वफाक का नो एन एफ सी अवार्ड आने जो मुतालबो किया है। कराची में अज वे वजीर मुराद अली शाह गाल बोल कई है। संदस चवण है वफाक हुकूमत कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में कटौती नहीं कर सके। आई एम एफ के मुतालबे बावजूद आइनी मामलों से छेड़छाड़ नहीं कर सके। इन हवाले से पैनलिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। मां पैनलिस्ट जो तारुफ कराया सीनियर तजिया निगार प्रोफेसर डॉक्टर इनाम शेख साहब असेंगे स्टूडियो में जॉइन किया। शेख साहब बड़ी मेहरबानी। गड़ो गड़ स्टूडियो में जॉइन कन था इमदाद सुमरो साहब, पा सीनियर सहाफी भी सीनियर दर्जा निगार भी इमदाद साहब अवे भलीकार चूं था। गड़ो गड़ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी एंकर पा मुख्तलिफ़ इशूज से गालबोल कहता रहा नसीर गोपाल साहब। नसीर साहब अवज की बड़ी मेहरबानी। सब का पैर शेख साहब मां तरफ इंदुम एक भेरों बीहर मुल्क में दहशतगर्दी की लानत कर खो है। आखिर इन दहशतगर्दी के पोया सबब कड़ा इन खात्मो क्यों मुमकिन है? ऐसो ये असान मुल्क घट में घट गुजर पंद्रह वी साल मैनियस जो है टेररिज्म जो उनके शिकार आने सबब हैं वो तेरे तो सारी दुनिया के खबर है जी असा बॉर्डर्स हैं वो ईस्टर्न बॉर्डर हो जे या वेस्टर्न बॉर्डर हो जे बिन्हीं ते प्रॉब्लम्स हैं। इतफाक सा ये जे बिन्हीं बॉर्डर्स से मुखालिफ मुल्क वेठल उनो भी पा में वो कनाइबंस है। एकड़ो तो वे पाड़ेसरी मुल्क इन सजे नेटवर्क के सपोर्ट था कन जी पाकिस्तान की हुकूमत भी चवे थी एंड दुरिया मुबसर भी चवन था। बो जो खास तौर पर जो असो वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान वो उत्ते जो सिक्योरिटी जहा इशूजन वे ढीहों हर ढी अचन था उनमें कें न कें मरहल से कें न कें मसले से योड़ो नॉर्मल रूटीन थी वही है। तालिबान हुकूमत जो जैसे खान नए सिर वाली इकतदार में आई है तो पाकिस्तान का रवैयो हॉस्टाइल आ खुद जो टी टी पी है उनका आंसर उत उनके पनाह मिलल है। उन्हें खास एकड़ी बोली कम्युनिटी जहाँ मानू हैं जे इन सजे नेटवर्क जो हिस्सो हैं उनके हार्बर कन था उनके फाइनेंस कन था। उन अलावा कुछ असाजू पहुँ जी दाखिली ए खारजी पॉलिसियों उन रिव्यू कर जरूरत है। उन में असो भी इन हिसाब से एज अ स्टेट इो है कंट्रीब्यूशन तो अस पंद्रह वी साल बल्कि गुजरल तकरीबन वे अरसे चालीस पैंतालीस साल नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जो पॉलिसियों अख्तियार क्यों उन नतीजे में ये अस ढा था पवन बुध मां सब दोस्त वेठा तो उड़ीस सौ उणासी में जैसे सोर रेवोल्यूशन आयो अफगानिस्तान में उन पैं कड़ी जी क्लेशन कोफ खपंद कड़ा जो हीरोइन खपंदी ही कड़ो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ही एडी हाँ ये गलत डिसीशंस जो जनरल जहा के दौर में थे बेन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स क्या उन नतीजे में ये फॉरेन पॉलिसी जो फेल्युअर्स थे अस यो भोग्यूं पा उनमें कुछ बाहर कुछ इंटरनल अवामिल सिर्फ सिक्योरिटी इदारा इन सभी शुंजो नथा दई सकन जेस ताईं पॉलिटिकल लीडरशिप पैंजी विल न डेखारींदी जेस ताईं असां पांजे पॉलिसीज के थोड़ो सही स्ट्रीमलाइन न कंदासे जड़ी जेकर असां मुल्क के अंदर ए बाहर जो दहशतगर्दी जा नेटवर्क्स हैं उन सीरियसली जो नेप डाउन न कर से तो इन यो सिलसिलो इनके रोकण एडो आसान है।
ठीक है शेख साहब, इमदाद साहब मां वहाँ की तरफ इंदुम। मुल्क के अग में ही घना चैलेंजेस मुआशी चैलेंजेस सियासी अदम इस्तेहकाम है। एक भेरों बीहर दहशतगर्दी कर खो है, दहशतगर्दी जो अज वो अफसोसनाक वाक्य पेश आयो है, वे जवान जो सत जानू जया थी। अवहां जो मौकुफ़ है कि दहशतगर्दी के ख़त्म कर सकते तो इन पुया सबब कड़ा है? सनावला साहब मेहरबानी, जी इनाम साहब असाजी पहजू जो पॉलिसियो उही इन जो माना सबब आ, मंतकी नतीजो आ, जो जहाँ असा दहशतगर्दी बेन मुल्क में कराई पे इतना अफगान जिहाद के नाले से जैसे असा अफगान फसाद था चूँ, जैसे अस उत दहशतगर्दी कराई तो ला मोहला वो जो बोतल में असा जिन कढ़ो आ जिन असा हाँ खाण तो अचे, तो इन जो दहशतगर्दी मुल्क मुल्क में आए इन जो पारू जनरल ज़िया के दौर का जैसे असा कें बे मुल्क जहाँ प्रॉक्सी थी कर असा इतने दहशतगर्दी के इम्पोर्ट कयोसी, सी दहशतगर्दी जो मेन मरकज़ असा पाकिस्तान के ठायो, असा पंजा मानू दिना, बेहदा दहशतगर्द इम्पोर्ट थे मिडिल ईस्ट में आया, सऊदी अरब में आया, चेचनिया बोस्निया अल किथा किथा जहाँ दहशतगर्द आया जिनके असा ट्रांसपोर्ट कयोसी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की जी सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ खत्म कयोसी, तो उन मंतकी नतीजो इो निकरणो हो। हिंसर भी का काफ़ी घनी देर नी वही है, असानी सियासी क्यादत असानी फौजी क्यादत असानी जेका असल फौजी क्यादत है जेका पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाए थी उनके पांजु पॉलिसी बेहतर करण घुर्जन, जेको असां पांजे अवाम के जेको यो बावर करायो तो ही दहशतगर्द ना हैं ही मुजाहिद यो पहरी तो यो नैरेटिव खत्म करण घुर्जे न गुर तालिबान बेड़ तालिबान वो यो किस्सो भी खत्म करण घुर्जे बुधायण घुर्ज तो ही इस्लाम के मुकदस डाले के इस्तेमाल करा तहरीक तालिबान अलकायदा ये दहशतगर्द पैं तो स्टेट पाँगी माना पॉलिसी वाजे करे नैरेटिव पाँ दुरुस्त करे उन सियासी क्यादत फौजी क्यादत अवाम के सभी के एतमाद में वही एक नुक्ते बीहणो पवो पाँगी पॉलिसी वाजे करणी पवी तेखा अस इन दहशतगर्दी के शिकस्त दई सकूं था। ठीक है इमदाद साहब, अवां जो हवाले से मौकुफ़ अची वो नसीर साहब, अवां जो मौकुफ़ है कड़ा सबब आने इन दहशतगर्दी के पुठियाँ कि खात्मो मुमकिन है? जी गालू क्यों उन इतफाक तो कें वही गाल है तो ऐसा वो है पॉलिसी साजे जो है उनमें एतमाद जो फुकदान है या पॉलिसीज फुकदान है वो ये एकड़े वक्त से एकड़ा गुड तालिबान बेड तालिबान वो जो अस हलो है मौकफ़ वो जेस तीन हों तेड़े किस्म जहाँ नतीजा असें भोगना ही पवंदा, ताज़ो पा परते ना वो माजी में बिल्कुल रशिया वार का वी जे तजर्बा थे अमीन गुल का वी बन जो कुछ कर सभी खबर है पीटीआई जो दौर में थो वेंदे वेंदे अव खबर होंगी तो जी ही अफगानिस्तान में अची वा तालिबान तिता जे अस सरबराह हुआ असास इदारे जहाँ वे वही उतरे पौता समी दुनिया में उन तस्वीरू आयु वो सब कुछ हो उन वे तादाद में जो मूँ अफगानिस्तान में इतने आंदा वह न पार्लियामेंट के एतमाद में वरतो वो न बन पॉलिटिकल पार्टियों के एतमाद में वरतो वो खैबर पख्तूनख्वा में वे पैमाने से उन्होंने दहशतगर्दन के वापस आंदो वो रहा जन के जो एपीएस वाक्य थो उन नैशनल एक्शन प्लान थे जी कार्रवाई थी जबरदस्त कार्रवाई थी उन नुकता तोड़े जो टी का पंटी नुकता उन्होंने मुकम्मल अमल को पर जो कुछ भी थो पीपल्स पार्टी के दौर में अस सवात ऑपरेशन दिठोसी उन मुख्तलिफ वक्त दहशतगर्दन खिलाफ वा ऑपरेशन असेंदे नजर आया खास तौर पर आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक्य का पोए जो एक्शन वरतो वो तो काफ़ी हद तई इतने अमन मानी सूरत हाल बेहतर थी वही पर उन वही पीटीआई के दौर में जो पॉलिसियों थी उनके नतीजे में जाहिर अस हिंसर भोग्यूं पाया नई जी अफगान हुकूमत आई उन अस उन चूं था तो टीटीपी से कंट्रोल कर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न थे पर वो को थे उन वही असें रदे अमल यो नजर आयो आर्मी चीफ साहब जो मौजूद आन उन्होंने खातरी कराई तो जे भी अफगान रिफ्यूजीज आन हाँ उन्होंने असा निकाली दींदी अड़े किस्म जहाँ ऐलान तो पा बार बार बुधा सिंध मंजा तो मुसलसल चार दहाकन का यह डिमांड है तो जी भी धारी आबादगारी उनके निकाली दियो पर हिंसर जैसे यो ऐलान थो असा लगे तो सिविल हुकूमत न बल्कि अस्करी क्यादत यो वायदो किया तो उन अमल थो वो भी पा सभी के सामू आए डेढ़ बिन महीन जो अल्टीमेटम दिनों हो घा अफगान रिफ्यूजीज इतना वह असेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुधाया वो तो दहशतगर्दी में वे पैमाने के मुलविस वे अफगान शहरी ही आन ही जे अस पाकिस्तान में असें मुल्क में जो कुछ थे पो केर पो करे सभी के खबर है पर जिते उ गाल है तो एक पॉलिसी जो फुकदान है फैसला थन था अमल को थे नतीजा असं भोग्यूं पाया न रुगो असा जो फोर्सिस जवान हैं उ शहीद थन था सिविलियन जो शहीद थन था मासूम बार उ शहीद थन था जेस तई इ गुड तालिबान भेड़ तालिबान या पे मफादन में उन्होंने इस्तेमाल करी पॉलिसी हलंदी तेस तक वाक्य के पा न था रोके सकूँ।
ठीक है नसीर साहब अवां जो इन मामले ते मौकफ अची वियो नाज़रीन प्रोग्राम में गदगर पाण गाल कंदासीं सिंध सरकार जेको वफ़ा खां नओं एनएफसी अवार्ड जो मुतालबो कयो आहे शेख साहब मां अवां जी तरफ़ ईंदुमि गुज़िरियल ॾींहुं पाण ॾिठो IMF वफ़ाक़ी सरकार खां मुतालबो कयो त जेको NFC जो फार्मूलो आहे उन में जेको आहे उहो तब्दीली आंदी वञे ऐं अॼु वॾे वज़ीर नए NFC अवार्ड जो जेको आहे उहो मुतालबो बि कयो आहे त नओं NFC अवार्ड आंदो वञे गॾो गॾु हुनजो चवणु आहे त जेके IMF जे मुतालबे बावजूदु आइनी मामलनि में छेड़छाड़ नथी करे सघिजे अव्हांजो छा मौक़िफ़ु आहे हिन मामले ते इहा तमामु माफ़ु कजो ॾिसो IMF जो मुतालबो आहे त जेका 57% सूबनि जो शेयर आहे उनखे घटि कयो वञे 55 या 50 या इन अद ते आंदो वञे या जेको आहे सो पाकिस्तान जी जेका फेडरल गवर्नमेंट जी बजेट आहे उनखे रिव्यू कयो वञे बजेट खे रिव्यू करण जो मतिलबु इहो हूंदो त फाइनांस ते तव्हां कट्स लॻायो पंहिंजो डिफेंस जे जेके एक्सपेंडिचर्स आहिनि उन्हनि ते कट लॻायो तव्हां जेको आहे जेके इहे डमी इदारा ठाहियो वेठा आहियो जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि उनजो पॉइंट आउट कयो त 17 अहिड़ा इदारा आहिनि मिनिस्ट्रीज़ आहिनि फेडरल गवर्नमेंट में जिन जी का ज़रूरत कान्हे मिसाल तौर ते कल्चर हेरिटेज जी जेका डिवीज़न आहे साईं मौसमियात ते हिकिड़ी मिनिस्ट्री आहे एजुकेशन जी मिनिस्ट्री आहे उहो आहे छा उन उते कुझु कॉलेज वञी हाणे रहिया आहिनि पर उते तव्हां 80 रुपया हर साल ख़र्चु कयो था सही त इहे ऑप्शन्स इहे ॿ आहिनि त फेडरल गवर्नमेंट जेका जेके गैर सिविल रिटायर मुलाज़मीन आहिनि उन्हनि जी पेंशन सिविल फंड मां मीट थिए थी उनखे रिव्यू कयो वञे छाकाणि जो उहा सिविल मुलाज़मनि खां उनजा जेको आहे दायरो वधी वियो आहे बहितर इहो आहे त फाइनांस कमीशन खे अञा बि बहितर कयो वञे सूबनि खे अञा वधीक फंड्स ॾिना वञनि छाकाणि जो हाणे जेको 18 तरमीम खां पोइ फेडरल गवर्नमेंट जो किरदारु आहे उहो सम्झो घणे कोऑर्डिनेशन वारो आहे उहो हिकिड़ो उन क़िस्म जी मर्कज़ियत वारो कोन्हे जेके कंहिं दौर में अयूब ख़ान या भुट्टे साहब या इन्हनि जूं हुकूमतूं हुयूं जॾहिं सभु खाता सभु पावर्स मर्कज़ वटि हूंदा ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ख़ुदि जेका ब्यूरोक्रेसी आहे या जेके ॿिया अननेसेसरी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आहिनि उन्हनि खे अरेस्ट कयो वञे उन्हनि खे ख़तमु कयो वञे या उन्हनि खे घटायो वञे ब्यूरोक्रेसी जा तव्हां हिकिड़ो 20 ग्रेड जे ऑफिसर खे ॾिसो त उहो मोनिटाइजेशन थो खणे ट्रांसपोर्ट थो खणे एसियूं गाॾियूं आख़िर इहो तव्हां सिस्टम केतिरो हली सघंदो त मां तव्हांजे जवाबु मुख़्तसिर इहो आहे त रिफॉर्म्स कया वञनि ऐं जेको ख़र्चु घटाया वञनि ऐं साॻे वक़्तु सूबनि खे इंडिपेंडेंस ॾिनी वञे हाणे इहो जेकर रिव्यू थो थिए ऐं इहो इन फार्मूले में सूबनि जो हिसो घटिजे थो त सिंध जेका आहे ॿिनि तरफ़नि खां अज़ाब में हूंदी हिकिड़ो त हुनखे मर्कज़ खां फंड जेको आहे सो घटि मिलंदा ॿियो वॾे में वॾो जेको रेवेन्यू जनरेटिंग सूबो आहे उहो आहे ई सिंध त उहो जेको कुझु मिसाल 100 रुपया ॾींदो वफ़ाक खे त रिटर्न में सिंध खे मिलंदा 20 रुपया 22 रुपया ऐं हुनजो हिसो कॉन्ट्रीब्यूशन जो वधी वेंदो ऐं जेको हासिलात आहे उहा घटिजी वेंदी त मां सम्झां थो जेकॾहिं वॾे वज़ीर इहो इन डायमेंशन सां मुतालबो कयो आहे त फाइनेंस कमीशन खे में इन फाइनेंस अवार्ड खे रिव्यू कयो वञे जुडिशियसली इंसाफ़ पसंदीअ सां त पोइ त इहो वेलकम डिसीशन आहे पर इन जो हाणे जेकॾहिं पसे परदा कंहिंजे चवण ते एस्टेब्लिशमेंट या IMF या फेडरल गवर्नमेंट जे चवण ते रिव्यू फॉर बैड रिव्यू फॉर डीजनरेशन डीग्रेडेशन थिए थो त मां सम्झां थो उहो सिंध जे इंट्रेस्ट में न हूंदो ऐं इन ते सिंध ते वधीक मुआशी दॿा विझण जे ऐं सिंध खे जे फंड्स खे वधीक कर्टेल करण खां बहितर इहो आहे त वफ़ाक पाण खे राइट साइज़िंग करे पंहिंजे एक्सपेंडिचर खे घटाए ऐं सुधारा आणे ठीकु आहे इम्ताद साहबु वॾे वज़ीर अॼु मुराद अली शाह साहबु मुतालबो कयो आहे त नओं NFC अवार्ड आंदो वञे वफ़ाक में इन वक़्तु जेको आहे नून लीग जी हुकूमत आहे सदर आसिफ अली ज़रदारी साहबु वेठल आहिनि ऐं केतिरो जल्दी लॻे पियो त इन जेको आहे मुतालबे ते अमल थी सघे थो ॾिसो आशमान साहबु जीअं इनाम साहिबु चयो त वॾे वज़ीर खे पहिरीं त इहा वज़ाहत थियणु घुरिजे त हू कहिड़े हिसाब सां चवनि था त NFC अवार्ड में तब्दीली
अस चूं था एन एफ सी अवार्ड में तब्दीली अचान घुर्जे सिंध के हिस्सों मिलन घुर्जे सूबन के हिस्सों मिलन घुर्जे तो खबर ना है सी एम साहब कड़े कॉन्टेस्ट में गाल कई आ बाकी जो आई एम एफ मुतालबो आ मुझे जाती राय में वो इलॉजिकल आ गैर कानूनी गैर अखलाकी आई एम एफ जो असा जे आईनी मामलन सा को भी वास्तो न होन घुर्जे एन एफ सी में जो फेडरल जो पोल आ उन में सब का पैसा सिंध लिये थी तो सिंध के शेयर भी सब का मिलन घुर्जे एन एफ सी जो या अरड़ी तरमी वो जो फैसलो आने आईन के रूह के हिसाब से बिल्कुल उनके थियण घुर्जे जो इसरा एक्ट में जो बदमाशी कर तब्दील किया वो उन इसरा एक्ट के सिर्फ जो सरबराह है उनके उनकी मुकररी के वापस वह काफ़ी ना है उन एक्ट के भी तब्दील थियण की जरूरत आ उन असा भरपूर तरीके से आवाज़ उथारण घुर्जे सिंध के मान तारीख में चौथों दफो पीपल्स पार्टी के मैंडेट दिनों तो हू कें एस्टेब्लिशमेंट के या कें कुत की फरमाइश से उन एन एफ सी अवार्ड के डिक्रीज न कराइन बल्कि उनके इंक्रीज कराइन जैकर वो पाँच फर्ज़ पूरा न था कर सकन खास तौर पर आसिफ जरदारी साहब हेयर प्रेसिडेंट है तो उनके भी किरदार अदा करण घुर्जे वो नजर बचण घुर्जे तो उन सिंध के केतो फायद थो केंजी फरमाइश तो यो न करण घुर्जे ए वजीर आला के या वजाहत करण घुर्जे तो उन माना एन एफ सी अवार्ड में सिंध के हिस्से के बढ़ाने की गाल कई या कें फरमाइश तो उनके माना डिक्रीज करण की गाल कई है। ठीक है अहमदाद साहब नसीर साहब मुख्तसर अवां जो उन मामले से मौकब है मुराद अली शाह साहब चे तो आई एम एफ इन आईनी मामलों से छेड़छाड़ के लिए न तो चई सके बिल्कुल नथो चई सके भांगे टे की अक्सरियत से याद हों तो पंजवी बल्कि तेरह जी पॉलिटिकल पार्टी हुई उन दौर में अरड़ी तरमीम जो है 2010 में मंजूर थी हुई उनके कौमी असेंबली सेनेट अक्सरियत राय से मंजूर किया जैं ढी का अरड़ी तरमीम मंजूर थी है तैं ढी का या घणन इदारन के जो है खास तौर से ताकतवर हल्कन के बर्दाश्त कोन पई थे पोए मुसलसल रज़ा रबानी जो बयान अवां जे सामू आए अरड़ी तरमीम के रोल बैक करण जो साजिशूं भी थियन पीपल्स पार्टी से जो कुछ थे पो अरड़ी तरमीम की सजा है छाकाण तो उनमें जी इनाम साहब बुधाया तो पैर 47.5% हो सूबन जो हिस्सों को 57.5% हाँ वो है यहाँ गाल बर्दाश्त कोन पई थे नवाज लीग के दौर में 2013 में कोशिशूँ थी तो अरड़ी तरमीम खास तौर पर उनमें एन एफ सी अवार्ड वो जो मामलो है उनके नजरसानी कजे उनके रोल बैक कजे कामरान खान बिहार केतर नाला खी असू खड़ू उन्हें बार बार एक सीरीज प्रोग्राम की कराई हुई तो वफाकी हुकूमत हाँ इस्लामाबाद की हदद तीन महदूद थी वही वफाक वो कुछ न रो सब कुछ सूबा खड़ी वन था बुधी कर हैरत थी तो रात नजम सेठी जड़े मानू जो प्रोग्राम जैसे बुधो असाजा सीनियर जर्नलिस्ट जाहिर असाड़ा आइडियल रहा कें जमाने तई अस बुधोसी तो कें जमाने में गोरीला वेड़ भी उन्होंने कई बो घ गाल बुधियों लेफ्टिस्ट रहा उन मानू जहा रात लफ्ज़ तो यो रिकॉर्ड से प्रोग्राम अव यूट्यूब से पो अव उन एतरे का हद तक जो अरड़ी तरमीम है ये जरदारी का सिंध नेशनल कार्ड है इन लेवल जो बायसनेस के ऐसी तो अरड़ी तरमीम में रुगो सिंधिन के फायदो थोड़ा सिंध के फायदो खैबर पख्तूनखा के सुणप को मिली सूबन के मजबूती को मिली सारी दुनिया में हाँ यो है रियासतू मजबूत होजन खपन तदें फेडरेशन मजबूत थी पर अज भी असम वन यूनिट वाली सोच है तो न मर्कज मजबूत होबन जो कंट्रोल सूबन से कंट्रोल हो मर्कज जो ही आई एम एफ जो अवं लिखी तो दें तो आई एम एफ जो बहानो है आई एम एफ जो यो मुतालबो है आई एम एफ जी अहमदाद साहब चुके पाकिस्तान के आइनी ए कानूनी मामले में मुदाखलत कर ही नो सके उनसा गुरु शाहिद खाकान अब्बासी वजीर अजम रहा ऐवान के फ्लोर से यह गाल कई तो जैसे भी इतने अस मान के को रिलीफ देने की कोशिश कंदा वो पेट्रोल जहा हुजन पेंशन वधाइणी हुए पगार वधाइणी हुए जैसे न वधाइणी होंगी तो बहानो हों आई एम एफ रोके छो आई एम एफ यो शाहिद खाकान जो बयान आ ऐवान में उन्होंने जैसे वजीर अजम न रहा हुआ तो उन्होंने आई एम एफ अड़ा मुतालबा न कंदी पर जी तो मानन के यो बुधाइंदा तो आई एम एफ जो मुतालबो मानू खामोश थींदा महंगाई वधे पई भाई आई एम एफ जो मुतालबो हाँ जाहिर अरड़ी तरमीम घणन धुरियन के बर्दाश्त को सूबन जो हिस्सो वध्यो एन एफ सी में वो केतर धुरियन के कें बर्दाश्त को पान के खबर आ हाँ उनके जो है सो नालो दिनों पीन थी आई एम एफ की डिमांड आई एम एफ असान आईनी कानूनी मामलों में किए थी मुदाखलत कर सके हाँ वो तक यो चवे तो आमदनी का जरिया बढ़ाओ जी असा इनाम साहब बुधा तो तुम खर्चा घटा जो है किफ़ायतशारी वगैरह कर बाकी यो किए तो थी सके तो अरड़ी तरमीम में लिखल है जो एन एफ सी अवार्ड इंदो नए एन एफ सी अवार्ड में सूबन जो हिस्सों अना वधाया वो इतने घट करण की गाल पी थे यो आई एम एफ की गाल ही को उन धुरन की गाल जन का आई एम एफ अरड़ी तरमीम या एन एफ सी अवार्ड बर्दाश्त को थे। ठीक है नसीर साहब अवान जो मौकफ़ अची इन हवाले से नाजरीन प्रोग्राम में गाल बोल जो सिलसिलो जारी है वक्त मुख्तसर ब्रेक जो ब्रेक का पे पा भी हाजिर थूँ था वेल
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के बे हिस्से में पा गाल बोल कंदासे। सिंध में सेनेट के खाली 12 सीटों से चूंडन लाए 20 का वधिक उम्मीदवार उन्हें फॉर्म जे जमा कराया। वे वजीर सीर मुराद अली शाह उम्मीद जाहिर कई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट जो 12 ही सीटों खटींदी। मुराद अली शाह साहब जो चवण है तो सेनेट की गुझी चूंड में मेंबर जैंखे चाहन वोट दई सकन था। बे पासे सेनेट की इलेक्शन लाइ पीपल्स पार्टी तरफा जनरल सीटों लाइ सरफराज राजड़, काजिम अली शाह, अशरफ जतोई, मसरूर अहसन, नदीम भुट्टो और दोस्त अली जैसर फॉर्म जमा कराया। जैसे टेक्नोक्रेट के बिन सीटों लाइ जमीर घुमरो और सरमद अली सुमरो, जैसे औरतों की सीटों लाइ कुरतुलैन मरी और रुबीना कायम खानी, अकलियतों की सीट लाइ पुंजो अमल भील कागज जमा कराया। बे पासे एमक्यूएम मेंबर की तजवीज़ से फैसल वावडा जे हैं वे सेनेट की चूंड लाइ नामजदगी कागज जमा कराया। गुजरल प्रोग्राम में भी पा फैसल वावडा जो जिक्र कयो हुयो। गड़ोगड़ एमक्यूएम के तरफा रऊफ सिद्दीकी, इमरान चिश्ती समेत चईन उम्मीदवार और सुनी इतिहाद काउंसिल के एक उम्मीदवार जे वो नामजदगी कागज जमा कराया। प्रोग्राम में पा गाल बोल कंदे तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सदर आसिफ अली जरदारी की न्याणी आसफा भुट्टो NA 207 तीन भेरे चूंड विढ़ी रही है। सुभाणे हु पांजा नामजदगी फॉर्म भी जमा कराईंदी। शेख साहब, सब का पैर अवे तरफ इंदुम, सीनेट में 12 सीटों से चूंड थे पी, पीपल्स पार्टी को उम्मीद है तो 12 सीटों वह घटी टोटल 48 हैं। 12 सिंध जो सिंध जो 12 सीटों। हाँ, जाहिर है पीपल्स पार्टी के एकड़ी एडी मेजॉरिटी है ऐवान में और एतरा उनके सपोर्ट है जो इम्कान ये ही तदें अज ताज़ो थोड़ी देर पे सिंध के चीफ मिनिस्टर चाहे इनके वोटिंग के ओपन कराया जो इम्कान तो जैसे कें भी पार्टी जो मेंबर सीक्रेट वोटिंग में मसलो क्रिएट करे सके तो शायद वो बारन के ही कामयाब कराने के हवाले से उनकी जो रिथाबंदी उनमें एक अद वोट से भी कोई फर्क अची सके तो तेज करे चीफ मिनिस्टर यह गाल कई है। सुठी गाल जहाँ नॉमिनेशन में यह थी नज़र अचे तो पहरों दफो इन 12 ही मेंबर में सिंध में कें सिंध के सीटों से कें धारे सूबे जो मानू को तुम दिखो तो माजी में फारूक नायक साई पलवशा खान कदें को बया खोड़ मानू रमान मलिक हाँ बाबा रवान वगैरह जेके भी आन वो थींदा रहा। हाँ उन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए कि कुर्बानियों आन या ना आन, पर अपार्ट फ्रॉम दैट इो सेनेट जो इदारो कायम ही इन वे हो तो जी सूबन के विच में नेशनल असेंबली में डिस्पेरिटी आरिटी थे ऐवान बाला में तो जी डिसीशन मेकिंग आ या कानून साजी आेयर तरीके की थी सके। जो थोड़ो मनफी पहलू इो आला जे भी टिकेटू अस से उन एकड़े महदूद हल्के से यानी जैसे एनी मरी है तो वह शाहजा मरी की भेण आ जैसे बया जे कैंडिडेट्स आन उ कें कें सलाड़ा पाया को मखदूम साहब जो मानू आ को उन मानू आ को आखिर सिंध में आए मुख्तलिफ आला इदार पढ़ल लिखल नौजवान हैं सिंध में जबरदस्त टेक्नोक्रेट्स सिंध में फॉरन रिटर्न जो मू वेठा मुख्तलिफ़ शोबन में तो IT के शोबे में सिंधी मानू AI में काफ़ी अगते वह मेडिकल के प्रोफेशन में लीगल प्रोफेशन में शानदार एकड़ा मानू वेठा जो तेज जो पार्टी की फिलोसफी है उनके भी अगते वधाईंदा पर घट में घट उ तैयार थी तो वा डेटा उन्होंने वट हूँ अंग अखर हूँ उन्होंने वट मटीरियल हूँ उनकी स्टडी होंगी मुतालियो हों बैकग्राउंड जो पतो हों जैसे ऐवान में कानून साइज थी तो वह सही इनपुट दई सकता बैरिस्टर जमीर घुमरो इख्तिलाफ थी सकता पर इनमें तो क्या ना है तो इनकॉम्पिटेंट आज शोबे जो कॉम्पिटेंट मानू आ ये सुठी गाल सागे वक्त मिसाल तौर से इो भुट्टे साहब जड़ो मानू जो पीपल्स पार्टी जो बानी आ वो भला उन मुमकिन को हो पीरबख्श भुट्टो सही मुझे चवान बया जे उन मिट माइट रहा उन्होंने सभी के पार्लियामेंट में भरे छा पर जाहिर है उन दिखो तो एक फेयर डेमोक्रेसी के लिए यो सुठो ना है तो एकड़े ही चंद खानदान जहाँ मानू उनमें इन आंदा वन आम मानू के मौको दिनों वे दिखो यो सेनेट में पेरों दफो मुख्य दिसण में आयो खास तौर से पीपल्स पार्टी तो उन्होंने वो जो डमी भर्ती होंगी ही ना अलग कड़ा कड़ा कैंडिडेट जो गाल ही को 5 साल
सूरत हाल ना है। हाँ कुछ बेहतर आया है कि सरफराज राजड़ असो राइटर्स कम्युनिटी जो मानू आ अड़े तरीके से बया दोस्त आन तो इन जो नॉमिनेशन्स थी उन कुछ हाकारी पहलू भी कुछ नाकारी नाकारी के रिव्यू करण खे हाकारी के अगत खे। ठीक है शेख साहब अवां जो नवाले सा मौको बजी वो इमदाद साहब अवां जी छा राय है जी नॉमिनेशन्स मतलब जमा थे इलेक्शन्स मथा ब अप्रैल तक इलेक्शन थन पे बुनियादी तौर पर हाँ जो पार्टियों जिनका वोट है ये उन्होंने हक आ कें भी नॉमिनेट कन पर इनाम साहब की गाल सेकंड कदे जी जमीर गुमरो साहब असाजा सौ इख्तिलाफ हट उनकी आइडियोलॉजी से या साई जो लिखन था पर सभी गाल बावजूद एक जबरदस्त कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल मानू आ इन चूड ढी जबरदस्त आ सरफराज राजड़ साहब की ढी जबरदस्त चूड आ उनखा अलावा जी कौमी असेंबली सूबाई असेंबली वेर अखाड़ा भरल सत्तर जहाके का वी नवे सकड़ो उ ही खानदान वो खानदान वो पुट वो उनो पोटो हिंसर टों चौथों नसल अस पा ऐसूँ पाया तो घट में घट सेनेट में तो पढ़ल लिखल मू प्रोफेशनल मू अच घुर्जन पीपल्स पार्टी के पाँच फैसले से रिव्यू करण घुर्जे और उनमें भला बो न तो भला पाँच जो जिले जहादेदार पीपल्स पार्टी जहाँ कारकुनर जो पढ़ल लिखल उन्होंने आड़ना एकड़ो जो पॉजिटिव पहलू आ वो पॉजिटिव पहलू यो आ अगमें पंजाब में जो लोध भर्ती थी हुई वह लोध इन दफे कान्ह केंद्र रहमान मलिक फारूक नायक पलवा शाह खान बाबा रहमान उ नान ये एक सुठी साइन आ पर पीपीए के अजा पाँच पॉलिसन से नजरसानी करण घुर्जे कैंकी कोटा सेनेट में न होने घुर्जे भर्ती जहाँ मू न होने घुर्जन प्रॉपर मू हो भली वो पाँच रैंक्स में पाँच पार्टी जहाँ कारकुन खड़न। ठीक है अहमदाद साहब वही मेहरबानी अवजो नवाले से मौकुफ अची वो नसीर साहब अवान की राय है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पारा कैंडिडेट्स नामजद क्या वह उम्मीद जाहिर कई वह तो बारह सीटों कटिंदी चाहिंदुस ओवरऑल पान जो गलो साई वन बिल्कुल पीपुल्स पार्टी के नॉमिनेशन से राय दिनी बिल्कुल दुरुस्त पे फरमायन पर इन भांगे घने भांगे यो दिठो अदी सरफराज राजड़ जाहिर है एकड़ो तो उनको ताल्लुक असा शहर से है जी शेख साहब चाहिए तो राइटर्स कम्युनिटी जो मानू भी है शायर भी है किताब भी अतन पर वो मुसलसल पार्टी से रो टे चार दफा इलेक्शन में बीठो आ खिपरे आरे तक कदें कामयाब को थो वो कदें कल्चरल विंग में कदें किथे न किथे कदें एडवाइजर कदें लैंग्वेज अथॉरिटी में उनके अकोमोडेट कंदी रही है पार्टी पर पे दफो जी उनकी नॉमिनेशन थी आड़ा डाय हार्ड कारकुन जरूर आन न तो असो जो शहर है खिपरो यो कें जमाने में सॉरी टू से माफ़ कन जो दिल आजारी थे तो कुफे जो शहर चाहिए वो तो उत पीपल्स पार्टी जो झंडो भी लगाए यो थे हाँ हालतू चेंज आन तेरह के इलेक्शन का दफे ये पाकिस्तान की तारीख में पर्यों दफो थो इलेक्शन की तारीख में तो सूबाई सीट इन खटी है न तो तेरह का रिवायत थी है एम एन ए सीट खिपरे वाली और सूबाई सीट तो हाँ वही 2024 में इन खटी है सो उन शहर में मुसलसल पार्टी से इंटेक्ट रहन यो सरफराज राजड़ साहब जो एक कारनामो है उनके नामजद किया अथन यह सुठी गाल पुंजोमल भील तोड़े जो अवामी तहरीक का जो उनको सफर शुरू थो वो एम क्यूम में वह हाँ चंगे अरसे पीपल्स पार्टी में आन अकलीतन की सीट से उनके आंदो अथन यो भी वर्कर क्लास जो मानू है सुठो साइन आ ये रुबीना कायम खानी भी मखसूस सीटन से सिंध असेंबली हिस्सो भी रही आ बाकी एनी मरी साहिबा दिए बुधायो साईं बिल्कुल उनको वास्तो कैंसा है या कि बाकी जो जेसर साहब जो उनको भी तालुक असल तो दादू से है तो उ भी पीपल्स पार्टी जहाँ पुराना वर्कर ही है दोस्त अली जेसर ए मुख्तलिफ़ वक्त कवरिंग उम्मीदवार तौर बटे दफा ऑलरेडी सेनेट जहाँ बीठा पर कदें उनके नामजद न किया बाजाबा तौर पर इन दफे तो कवरिंग उम्मीदवार ना जेसर साहब उ वर्कर आन अड़ी जो नामजदगी थी बाकी जमीर घुमरे साहब से का राय को पढ़िया लिखा मानू आन अड़े किस्म जहाँ मानू जहाँ स्ट्रांग अचन पार्टी जहाँ कारकुन भले होजन पर दिए बई मौजज असाजा साथी चवन पाया तो उ मू मुख्तलिफ इशूज से ाले सन तो अना बेहतर थे हाँ जी आजिज धामरा रो माजी में ससी पली जो साहिबा जो पानी के मामले से असा याद आ तो यूसुफ रजा गिलानी से वो विड़ी पई सी जे कैनाल खोलने के मामले से तदें का वी जो कुछ उन थे पो वो भी पान के खबर है ओवरऑल पा जैसे अचूँ ही जी 48 सीटू आई सेनेट जो जनते इलेक्शन थे पी 2 अप्रैल से इम्कान यो भी जाहिर किया वे तो उन 48 सीटों मजा हुकुमरान जो इतिहाद है उ 38 खन सीटू जन खड़न में कामयाब थी सुन्नी इतिहाद काउंसिल चूँ या जो पीटीआई है उन्होंने धक् यो थे जो उनके मखसूस सीटू न मिली आन उनके बुधाए पे खैबर पख्तूनख्वा में जो है उनके 11 मंझा जो 7 सीटू मिलने जो इम्कान है अड़ी रीत पंजाब में उनके तमाम जो है घट सीटू चो तो लगभग उ सीटू खी जाहिर उत फार्मूला तय थे थी इं हुकुमरान इतिहाद जैसे 38 सीटू खी तो वे तो ऐवान में जो है जो हिंसर तीन अंग अखर आन उ हुकुमरान इतिहाद वो 58 सीटू थी वो जो फार्मूलो है सेनेट जो चेयरमैन वो पाँच चूंड आन उन
उणवंजा अठेतालीह का उणवंजा उन्होंने सेनेटर घुर्बल हूँ उन में कामयाब थी वा सूबे वाइज एक लिस्ट है मूँ पर टाइम मुझे ख्याल में घट हों चाहे इमदाद साहब का जरूर इन राय वा इमदाद साहब फैसल वावड़ा साहब वन सगेन वरी अचन पाया हूँ तो न ऐवान के मनींदा न पोलिटिकल पार्टी के मनींदा उनके लगे तो जी पाकिस्तान जो मसला उन्होंने जड़ आन ये पोलिटिकल पार्टी आज़ाद हैसियत में पे अचन एम क्यूम उन्होंने नॉमिनेशन उनकी एम क्यूम की है सो कि तो लगे कामयाब थी वा गडो गड अज उन्होंने यो भी गल तो खरीदो फरोख्त होती है तो मतलब पैसो हलो पावर हलो भैया वावड़ा साहब के कें तो वही अचन पाने अपार्ट फ्राम के चूंडजे तो या नो चूंडजे पर मुझी जाती राय में बददिमाग नॉन सेंस बेवकूफ़ किस्म जो मूँ आ जो जो नुमाइंद उनको बूट खड़ी तो आयो ना लाइव प्रोग्राम में तो इन में तमझी सो था जड़े तरीके से उनके एक्सेस तो आसिफ जरदारी साहब साहब मिले तो पैगाम रसानी जो कम भी करे तो एम क्यू एम के जे अरह सीटू कराची जो जाली तरीके से मिलल उतार हुक्म थो हों तो ही मुंतखब थी वो एम क्यू एम की सीट से बाकी फैसल वावड़ा से गलजे एजेंट एक टाउट किस्म जो मू आको बूट के पे मथे से रखने में माना वो फख्र महसूस तो करे अड़े मतलब बेवकूफ नॉनसेंस मूँ से नॉमिनेशन पाकिस्तान के सियासी तारीख में ये मुसलसिल रिपीट थी थन साई ये मू इन किस्म जहाँ मू हर दौर में हर हुक्मरान जी हाँ इस्टेब्लिशमेंट खी थी अचे हालांकि एडा नुकसान था थन सही पर अस सिखूँ को फैसल वाडा जो जै तरीके की बोली गल तो जो इतने अचे जैसे पीटीआई में हो तक याद आते शहर फैसल बंद कराए छी हो कदें जो सो फायरिंग कराई हो कदें मकसद इन किस्म जहाँ हाँ अज भी जो वही टीवी चैनल से गल तो उनके थे भी महसूस थे तो सीजन चाहे तो मुख्तसरन है तो अज आसफा भुट्टो नवाबशाह पौती है उन कारकुन के खिताब भी किया है वो पा 200 NA 207 तक चूंड वेड़े पी है उट है जी अगुणे सदर आसिफ अली जरदारी छी है गडो गड वह सुबह फॉर्म भी जमा कराए पी मुख्तसरन अवं इन राय में सभी पैनलिस्ट की चाहिए उसूली तौर से इन मौकुफ़ जो आया तो जी करीम जो भला मू जिन जो साल कुर्बानियन जो गरीब तबका मिसाल तौर से जो भी रीज़न हो जरदारी साहब गुलाम मुस्तफ़ा शाह के डिप्टी सेक्रेटरी डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली जो यो पार्टी के हवा से बेहतर डिसीशन हो तो मू उन जिले में है वो मुसलसिल उन लायल रो बाकी खानदानी लेगेसी आ ना समझा तो वही इंटेलिजेंट माई छो न्याणी असि आसफा भुट्टो पर इन सा मैसेज जो पॉलिटिक्स में वे तो वो यो तो वे तो भाई हुकूमत साजी में या हुकुमरानी में मखसूस ग्रोह हों समझा तो डेमोक्रेसी के मुस्तबिल बेहतर बिल्कुल खानदानी सियासत न होने घुर्ज आसवा साहब सुठी इंटेलिजेंट होंगी उनमें बासलायत भी होंगी पर उनो वो एक्टिव तारफ जो आसो आसिफ जरदारी साहब की न्याणी जो आने कर जगह से जर कारकुन के जैसे पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी उनके जैसे सीट डी वे हाँ तो ज्यादा बेहतर हो खानदानी सियासत की हौसला शिकनी थियण घुर्ज पाकिस्तान चाहे समूर खिते में बई सीनियर मुखा समझन था जाहिर मोरूसी सियासत हले थी खानदान की सियासत हले थी वोट भी उनते मिलन था पीपल्स पार्टी के अजरी तई हले पी तो जाहिर वो वोट भुट्टे साहब जो हले पो बिलावल साहब जो नालो बिलाल भुट्टो जरदारी रखो वो जाहिर हू उन वालिद साहब की सीट है खाली कन थी तो जाहिर उत बीहंदी ए बी गाल भी है इंटेलिजेंट भी आन जो उन तालुक उन वालिद साहब जो है पार्टी जो शरीक चेयरमैन है उन बुनियाद से पंजी जगह से पर वो इंटेलिजेंट आन नौजवान भी आन उनके मौको मिलन खपे यकीन उनके लिए सच को मुकाबलो भी कोने वो सिंध मंझा जै तक चाहन आ कामयाब थी वन हाँ घो इम्कान यो जो जरदारी साहब सदर न थन तो बिलावल साहब की जो सीट है लाड़काने या रतेदेरे वाली उतना का थन पर नवाबशाह में थन पी या उनकी चॉइस है अल्टिमेट इन सभी का जाहिर करनी तो सियासत है प्रैक्टिस जाहिर उनकी असेंबली में अची कर हिंसर थी को उन मुकाबलो है को घणे भांगे दिमकान बिना मुकाबले थियन न तो वो ऐवान में असें नजर इंदू जल्द ठीक है वही मेहरबानी नसीर साहब अवा प्रोग्राम में वक्त नो अहमदास सुमरो साहब अवां जी भी वही मेहरबानी इनाम शेख साहब अवां जी वही मेहरबानी अवां प्रोग्राम में वक्त नो नाज़रीन इन्हीं सां गॾु प्रोग्राम जो वक्त पुॼाणे ते पहुतो ॾींदा इजाज़त अल्लाह नेकबान।